हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अनलॉक फेज वन की आज से शुरुआत हो गई है और ऐसे में तमाम धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दिल्ली में भी दी गई है। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं। झंडेवालान मंदिर को भी आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। हालांकि धार्मिक स्थलों पर भी बदला हुआ स्वरूप ही देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कोरोना संकट है, संक्रमण का खतरा है, उसको देखते हुए मंदिर में तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं और लोगों को इन सावधानियों से अवगत कराने के लिए मंदिर प्रांगण में जगह जगह इस तरह के सूचना बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से वो तमाम नियम पालन करने को कहा गया है। मास्क पहन कर आने को कहा गया है। इसके साथ ही मंदिर में प्रवेश करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मंदिर परिसर में सैनिटाइजेशन का काम लगातार किया जा रहा है। हर जगह पर इसी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे प्रांगण को। और आपको दिखाएं, ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ज़मीन पर मार्किंग भी की गई है। तो जो भी श्रद्धालु आते हैं, अब पहले की तरह जो मंदिर में हम भीड़ देखते थे, उस भीड़ को काबू करने के लिए, श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग पे रखने के लिए ये तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। और मंदिर में प्रवेश करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने हाथ सैनिटाइज कर लें और इसके साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही श्रद्धालु जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। तमाम जो मंदिर के कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पर काम में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, वो पूरे प्रोटेक्टिव गियर्स के साथ ही यहाँ पर खड़े हैं। उनको भी शील्ड्स दी गई हैं। इसके साथ ही मास्क पहनना ज़रूरी है। और श्रद्धालु मंदिर में पहुँच रहे हैं, हालाँकि अभी उतनी भीड़ नहीं है जैसा कि हुआ करती थी। लेकिन जहाँ तक बात करें, अब मंदिर की स्थिति जिस तरह से बदली है, ये वही मंदिर है जहाँ पर भारी भीड़ श्रद्धालुओं की हमें देखने को मिलती थी और ये झंडेवाला देवी के दर्शन आपको कराते हैं अपने कैमरा के ज़रिए। करीब दो महीने के बाद, दो महीने से भी ज़्यादा समय बीतने के बाद आज मंदिर खुला है और श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालाँकि तमाम एहतियात बरतते हुए प्रसाद चढ़ाना मना किया गया है। मंदिर में पुजारी मौजूद हैं लेकिन आप प्रसाद नहीं चढ़ा सकते और तमाम एहतियातों को बरतने की कोशिश भी की जा रही है और तमाम श्रद्धालुओं को जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार ही काम करना होगा। और यहां से मंदिर में भी आप देखेंगे तो सैनिटाइजर रखा गया, मंदिर में भी सैनिटाइजर रखा गया है और साथ अंदर पुजारी हैं जो मास्क लगाकर ही मौजूद हैं और तमाम सावधानियों को बरतते हुए ये ध्यान रखा गया है। और मंदिर में किस तरह से तमाम इंतज़ामों को किया गया है, इसको बताने के लिए हमारे साथ मंदिर के ट्रस्टी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या इंतज़ाम किए गए हैं मंदिर में खास। आज करीब ढाई महीने के बाद मंदिर खुल रहा है सर, सबसे पहले तो देवी के दर्शन हमने किए और क्या इंतज़ाम आज श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं, क्या उन लोगों को एहतियात बरतने को कहा जा रहा है, किस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है? देखिए, हमने मंदिर जैसे ही खुलने का ये निर्देश आया कि हम मंदिर खोल सकते हैं, हमने उसी दिन से मंदिर में तैयारियाँ करनी शुरू कर दी। सबसे ज़रूरी था कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग रख कर आएँ, उनकी स्क्रीनिंग हो, सैनिटाइजेशन हो, तो उस सब का हमने व्यवस्था की। एक तो भीड़ ना हो सके तो मंदिर के बाहर से ही हमने, जहाँ से जूता स्टैंड है हमारा, वहीं से थर्मल स्क्रीनिंग करके आगे आने देते हैं। वहाँ हमने हाथ वगैरह धोने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था की हुई, नल है, साबुन रखा हुआ है। जब मंदिर के प्रवेश द्वार पर आते हैं वहाँ उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, सैनिटाइज किए जाते हैं। और जब नॉर्मल जिसका टेम्परेचर होता है उसी को आगे आने की अनुमति है। सोशल डिस्टेंसिंग के हमने गोले बना दिए हैं ताकि भक्तों को वो डिस्टेंस रख कर ही दर्शन करें। किसी प्रकार का प्रसाद वगैरह चढ़ाने की अनुमति नहीं है, केवल दर्शन करें माता के। और बाहर जब वो निकलेंगे तो उनको एक प्रसाद का पाउच मंदिर की ओर से दिया जाएगा।
सुरक्षा को देखते हुए संक्रमण की कोई आशंका ना रहे तो मंदिर में जो घंटियां लगी हुई थी जिसको आते ही सबसे पहले भक्त बजाते हैं, हमने उन घंटियों को हटा दिया है ताकि किसी प्रकार की संक्रमण वगैरह ना रहे। ये जो रेलिंग वगैरह हैं इनको हम लगातार सैनिटाइज करते हैं, मंदिर परिसर को पूरा सैनिटाइज किया जाता है, हमारा स्टाफ है, हमारे पुजारी हैं, सभी मास्क पहनकर अब सैनिटाइज करके उनकी भी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद ही वो मंदिर में सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पूरा प्रबंध किया है कि सुरक्षा के जो नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए भक्त आएँ, इतने लंबे इंतज़ार के बाद उनको मंदिर के दर्शन करने पड़ मिल रहे हैं तो आएँ और अनुशासन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वो मंदिर आएँ, दर्शन करें। आज पहला दिन है लेकिन जितनी भीड़ झंडेवालान मंदिर में हमेशा हम देखते हैं उतनी भीड़ तो नहीं है, पर अगर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती है तो थोड़ा आप लोगों के लिए इंतज़ाम और बढ़ाने की ज़रूरत होगी, या श्रद्धालुओं से किस तरह से अपील कर? हमने इसका भी पूरा प्रबंध किया हुआ है, कुछ तो अंतर है कोरोना के इसके कारण से उतनी भीड़ उस तरह की शायद नहीं आएगी, लेकिन तो भी एक तो हमने दो काम किए हैं, मंदिर के बाहर से हमने सोशल डिस्टेंसिंग के बहुत दूर तक हमने वो गोले बना दिए हैं, तो लाइन अगर ज़्यादा होती है तो जिगजैग करके उनको ले आएंगे मंदिर के अंदर। दूसरा, मंदिर का समय 1 से 4 बजे बंद रहता है सामान्य दिनों में, हमने वो समय भी ख़त्म कर दिया है, मंदिर सवेरे 5:30 से 9 बजे तक पूरे समय खुले रहेगा ताकि भक्तों को बहुत अधिक इंतज़ार ना करना पड़े और लगातार वो दर्शन करते रहें। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो नए नियमों के साथ झंडेवालान देवी का ये जो प्रसिद्ध मंदिर है इसको खोल दिया गया है, श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एक लंबे इंतज़ार के बाद लोगों को ये अवसर मिला है कि माँ के दर्शन करें। आप लोग करीब 2.5 महीने के बाद आज दर्शन करने आए हैं, क्या बदला हुआ मंदिर में स्वरूप भी देखने को मिला? नहीं, बहुत अच्छा लगा, इतने बंद नहीं था, बंद था मंदिर, अच्छा नहीं लग रहा था। हम डेली आते हैं यहाँ पे, बंद होने के बाद बाहर से मत्था टेक के जाते थे, माँ की शक्ति इतनी है जो मांगो सब कुछ मिल जाता है। अब ये मास्क लगा कर आना और ये सारे नियमों का पालन करके ही दर्शन करने आएंगे? हाँ जी, हाँ जी, ये सब मास्क लगा कर ही आएंगे, अपने शरीर की बचाव के लिए लगा के आना पड़ेगा। आपको मंदिर का ये बदला हुआ स्वरूप भी दिखाते हैं कि कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, दूरी बनाकर खड़े हैं, सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं, मंदिर में तमाम जो सेवादार हैं, पुजारी हैं, उन्होंने भी मास्क पहने हुए हैं और इसी तरह नियम के साथ फिलहाल ये कोशिश है कि एक बार फिर से सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाए, तभी सभी उन प्राचीन मंदिरों को खोला जाए, लेकिन इसके साथ ही साथ ये सावधानी भी बरती जाए कि कोरोना का संक्रमण कम से कम फैले, जिसके चलते मंदिर प्रशासन की ओर से भी कई कदम उठाए गए हैं। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।